तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि गैस गीजर के अंदर डबल रिले क्यों लगता है, समझ रहे हैं उसका कार्य क्या होता है, डबल रिले लगा के क्यों आते हैं, विस्तृत से हम इसको जानेंगे। अगर ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी बड़ी आसानी से इस डबल रिले का कार्य समझ जाएंगे। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा गैस गीजर है और इसमें दो रिले लगे हैं। सब गैस में तो एक ही रिले लगता है, लेकिन किसी किसी में हमारा दो रिले होता है, और दो रिले जब लग जाता है तो गैस की प्राइस भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो ये दो रिले क्यों लगता है इसको हम आज जानने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि गैस गीजर में दो ठो पाइप होती है, कितने पाइप होती है, दो पाइप होती है। तो दो पाइप में एक से पानी इन होता है और एक से हमारा पानी क्या होता है, आउट होता है, ठीक है। यानी कि इससे हमारा पानी क्या होता है, इन होता है, और इससे हमारा पानी आउट होता है, और बीच में एक पाइप होती है, ठीक है ना, रिले इसके अंदर लगा है, ये हमारा रिले है, ठीक है। इस रिले का कार्य क्या होता है, डबल रिले क्यों लगाया गया है, यहां से हमारा गैस क्या होती है, इन होती है। रिले जहां लगता है उसी से हमारा गैस गीजर के अंदर क्या हो जाता है, इन किया जाता है, और ये चेंबर होता है, उसके बाद इसी में बर्नल हमारा होता है, और इसके अंदर आप देखेंगे धुआं हमारा यहां से क्या हो जाता है, बाहर की साइड में निकल जाता है, ठीक है। तो ये दो रिले क्यों लगते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि गैस गीजर के अंदर दो रिले लगे होते हैं। देखिए कुल ये दो जो रिले लगते हैं ना, इसका काम होता है कि अगर आप घर के अंदर सिंगल रिले लगा, सिंगल वाला आपके अगर गैस गीजर है और उसके अंदर सिर्फ एक ही रिले लगा होता है, तो कभी कभी ये रिले हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये रिले हमारा खराब हो जाता है, और जब ये रिले हमारा खराब हो जाता है तो वहां से गैस का रिसाव होने लगता है। अगर गैस का रिसाव होगा तो वो गैस धीरे धीरे यहाँ पर बर्नल में जाएगी और पूरे कमरे में आपको क्या होगा, फैलेगा, ठीक है, पूरे कमरे में फैलेगा, और जिससे पूरे कमरे में स्मेल आएगी, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि जब वहां से हमारा गैस जाता है ना, तो कोई केयर अगर नहीं करता है, जल्दी से आए और पूरे कमरे में गैस फैली हुई है, एक रिले खराब होने की वजह से पूरे कमरे में गैस क्या हो गई है, फैल गई है। तो अगर आप जैसे यहां से गैस को तुरंत जल्दी में है और तुरंत आपने क्या किया, आपको पानी गर्म करना है, और जैसे ही लाइटर यहां से आप ऑन करेंगे गैस गीजर में, पूरे कमरे के अंदर गैस फैली हुई है, और जैसे ही लगाएंगे उसमें पूरे कमरे में जहां जहां मतलब जितनी गैस होगी आग पकड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, समझ रहे हैं ना। ये रिले लीकेज हो गया तो स्मेल को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लगेगा कि अरे चलिए गैस गीजर है, गैस का स्मेल आ रही होगी, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि रिले खराब हो गया और वहां से गैस हमारी क्या हो रही है, रिसाव कर रही है। अगर गैस वहां से रिसाव कर रही है तो गैस धीरे धीरे बर्नर से निकल करके पूरे घर के अंदर होगा, वहां पर पूरा गैस फैलेगा, और जब फैलेगा और जल्दबाजी में अपने गैस गीजर को ऑन करेंगे, पूरा का पूरा घर के अंदर क्या होगा, आग पकड़ लेगा, समझ रहे ना। इसीलिए क्या होता है, मेन रूप से इसी कारण के लिए गैस गीजर के अंदर दो दो रिले लगा होता है, ठीक है। कितना रिले, दो दो रिले, कि अगर एक रिले हमारा खराब हो जाए, चलिए मानते हैं कि ये रिले हमारा खराब हो जाए, तो हमारा दूसरा रिले क्या करेगा, काम करेगा, यानी ये लीकेज भी हो गया तो ये गैस को रोक करके रखेगा, ये गैस को आगे की साइड में लीकेज नहीं होने देगा। अगर एक खराब है तो एक तो अपना सही ही रहेगा, समझ रहे ना। अभी अभी किसी के मन में होगा कि दोनों खराब हो जाए, पहले खराब ही हो जाए तो हर चीज है भाई, खतरा तो होता ही है, समझ रहे ना। तो दोनों का यानी तो वाली बात आ गई, तो का अभी तक किसी ने जवाब ना दिया, ना कोई दे पाएगा, समझ रहे ना। तो इसमें से मान लेते हैं कि एक रिले हमारा क्या हो गया है, लीकेज हो गया है, तो दूसरा जो लीकेज गैस है उसको दूसरा रिले क्या कर देगा, रोक लेगा, समझ रहे ना। लेकिन एक और बात होती है कि इसमें जो बैटरी लगाई जाती है, वो तो बैटरी की संख्या बढ़ती नहीं है, और इस रिले को चलने के लिए हमें वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान से समझिएगा, चलने के लिए हमें वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, और जितने भी 3 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा हम बैटरी इसके अंदर लगा नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे कि बर्नल के ऊपर आपको ऐसे देख रहे हैं ना, कितने लाइटर मिलते हैं, दो लाइटर, समझ रहे ना, बर्नल के ऊपर आपको दो लाइटर ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि जिसके अंदर एक रिले होगा, ठीक है ना। कितना रिले होगा, एक रिले होगा, उसके अंदर आपको दो लाइटर दिखते हैं, ठीक है ना, बर्नल के ऊपर दो लाइटर दिखते हैं, ठीक है ना। और एक हमारा क्या होता है कि सेंसर वायर होता है, क्या होता है, सेंसर वायर होता है। टोटल 3 ठो ऐसे लाइटर आपको दिखाई देते हैं जिसमें एक रिले लगा होता है, लेकिन अब दो रिले लग गया तो इनको भी सप्लाई चाहिए ना। अगर इन रिले को दूसरे रिले को भी सप्लाई चाहिए, तो इसमें से क्या होता है, जिसके अंदर जिस गैस गीजर के अंदर दो रिले लगते हैं, इसमें से हमारा एक से जो अपना लाइटर होता है उसको कम कर दिया जाता है, और इसकी जो सप्लाई होती है, इस सप्लाई को हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले रिले को हम क्या करते हैं, दे देते हैं, और इसमें बैटरी वगैरह की उसकी
संख्या को हम बढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके जिस रिले जो जिसके गैस जिस गैस गीजर के अंदर डबल रिले होगा उसके अंदर लाइटर हमारा एक होगा और एक तो हमारा क्या होगा सेंसर होगा, समझ रहे ना। यानी उसमें एक ही लाइटर का प्रयोग किया जाएगा और एक लाइटर कम करने का मतलब होगा कि दूसरा जो रिले इसके अंदर लगाया गया है उसको सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दूसरे रिले को सप्लाई इस लाइटर को कम करके लिया जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जिसके अंदर दो रिले लगे होंगे उस पे आप देखेंगे जो बर्नल होगा उस पे दो ही आपको पॉइंट ऐसा दिखाई देगा, एक तो लाइटर का और दूसरा हमारा सेंसर का होगा, ठीक है। जो लाइटर हम कम करते हैं उसी लाइटर की सप्लाई हम रिले को दे देते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गैस गीजर के अंदर डबल रिले क्यों लगाया जाता है। अगर गैस गीजर का एक रिले खराब हो गया जिससे गैस रिसा होगा, अगर गैस रिसा होगा जल्दी से आपने किसी कारण से नहीं पहचान पाया और गैस गीजर को चालू कर दिया तो बड़े हादसे होने के चांसेस होंगे। लेकिन एक रिले आपका यहां पर क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा तो दूसरा रिले काम करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिले को चलने के लिए सप्लाई इन लाइटर को क्या कर देती है कट करके दिया जाता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गैस गीजर के अंदर डबल रिले क्यों लगाया जाता है। तो इस और आगे सारी इस गैस गीजर की बहुत सारी वीडियो हमने बनाया है, अगर उसको भी आप देखना चाहते हैं तो आप पीछे वाली वीडियो में प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आप देखें गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर दोनों के बारे में हमने बताया है, उसमें जाकर आप देखेंगे कि छोटे छोटे पार्टों में हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसको आप देख लेंगे तो पूरा उम्मीद है कि आप भी गैस गीजर इलेक्ट्रिक गीजर सबका रिपेयरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।